अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नई वीडियो के साथ जो है ना वो हाजिर हो गए हैं वज ब्रदर के अंदर। मेरा नाम है वकास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है ना मैं अपनी हर वीडियो का स्टार्ट जो है ना यहाँ से करता हूँ। तो जी वीडियो जो है ना वो इस तरह है कि अफ्तारी की हमने, अफ्तारी करने के बाद चाय शाय पी है, सब कुछ करने के बाद ना सारे ऊपर सोने के लिए आ गए, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल उनकी रूटीन हुई हुई है। सुबह 6 बजे उन्हें उठना होता है, 6 बजे और 7 बजे उनका स्कूल लगता है। तो 6 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, तो फिर उनको स्कूल छोड़ के आते हैं। तो उनकी रूटीन बनी हुई है कि उन्होंने बहुत जल्दी सोना होता है। तो इसीलिए जो है ना अभी आप देख रहे हैं कि ईयान भी लेट गया सोने के लिए और अभी 9 बजे हैं और अब्दुलमान भी लेट गया। तो लेकिन मैंने एकदम प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना आज जो है ना, क्योंकि अब वीकेंड शुरू हो गए हैं, बच्चों को आगे छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, तो क्यों ना जो है ना कोई ऐसा इनको इंजॉयमेंट कराया जाए। तो इंजॉयमेंट मैं सोचा था इनको बाइक कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वो नहीं प्रोग्राम बना। तो फिर हमारा प्रोग्राम बना कि हम क्यों ना उमैर के प्लाजे पे चलते हैं, जाके देखते हैं कि यार ये इतने दिनों से उधर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं उधर, सारा दिन क्या करते रहते हैं, रात को क्या करते हैं वहाँ पर। तो अभी मेरा प्रोग्राम बना है, अम्मी भी कह रही थी जाके देख के आओ ये किधर उधर क्या करते रहते हैं। तो मेरा प्रोग्राम बना है कि मैं ना अभी सारे हम चलते हैं, जुहेब को भी मैंने कह दिया, जुहेब भी तैयार हो रहा है, तो जुहेब और बच्चों को भी मैं उठाता हूँ, बच्चों को लेके चलते हैं। बल्कि यान फिर उठ गया, यान उठ गया, देखिए जी यान उठ गया है, अब्दुलमान भी उठा ही हुआ है, उसको हटाएंगे तो वो उठ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं फिर उमैर के प्लाजे पे और वहाँ जाके देखेंगे कि हमने क्या करना है। सैरी जो है ना, हो सकता है हम वहाँ सैरी बाहर कहीं करें, या हो सकता है प्लाजे पर कर लें, या हो सकता है वापस ले आएँ, उन दोनों को वापस इधर ले आएँ, इधर सैरी करें। इसका अभी प्रोग्राम नहीं बना, इसका जो है ना अभी रास्ते में प्रोग्राम बनाते हैं, या फिर हम ना प्लाजे पर जाके उमैर रोड आमना से पूछ के करते हैं क्या करना है। तो वीडियो का करते हैं स्टार्ट, इस तरह स्टार्ट यही है कि हम अभी जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है कि हमने प्लाजे पर जाना है और वहाँ से जाके क्या करना है ये फिर हम वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। चलो जी, तो ये अब्दुलमान ऊपर से नीचे आया, फिर हो गया। अब्दुलमान का मेरा से जाने का मूड नहीं है, जाना है आपने अब्दुलमान, जाना है नहीं जाना, तो इधर ही सोचो हैं, दादी के पास सोचो, सोना अब्दुलमान दादी के पास सोना। इतना टाइम ही नहीं हुआ, लेकिन बच्चे जो है ना वो नींद से बेहाल हो गए, नया भी सोया हो गया, देखो जल्दी बच्चे सो गए हैं। चलो जी आज हम इसी गाड़ी में जा सकते हैं, इसकी हालत देख रहे हैं। ओह हो, क्योंकि कल बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से इसकी बहुत बुरी हालत थी। स्कूल गए थे ना हम सुबह। चलो जी, अभी जो है हम निकल पड़े हैं पहले डाउन प्लाजे की तरफ और सारे जो है मेरे साथ हैं, सबको नींद आई हुई है, लेकिन क्योंकि वीकेंड है तो मैंने प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना हम जरा घूमें फिरें, फिर बाद में मौका मिलता नहीं है। इस मौसम में जरा ठीक होता है, क्यों दे भाई, मौसम में ठीक होता है, गर्मी में कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चलो रात को जाके तंग करते हैं सबको, अभी देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनको तो बताया भी नहीं भाई, कि बता दे पहले देव क्या कहते हैं, बता देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, हाँ फ़ोन कर देते हैं उसको, उमैर को और रामना को कि हम आ रहे हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं प्लाजे पर, सारे आगे आगे मैं पीछे पीछे, लिफ्ट बंद है। अच्छा तो जी हम इधर आए हैं, तो जी लिफ्ट बंद है और अब्दुलमान जो है वो कह रहा मैंने लिफ्ट में जाना है। तो जी उमैर को भी पैदल भी जाता। अच्छा उमैर को मैंने फ़ोन कर दिया, लिफ्ट ऑन करवा दिया, हो गई, जो लिफ्ट ऑन हो गई क्लिक करो। Yes. तो जी आगे लिफ्ट में हम आ गए, अब्दुलमान सबसे आगे आगे, ओहो सारे आगे लिफ्ट में, इतना मैं यहाँ भी बूढ़ा, अच्छा मैं यहाँ भी बूढ़ा, लिफ्ट देखे जबरदस्त, ऊपर का सीन देखे, इधर फैन लगा हुआ है और अभी यहाँ पर अलार्म भी लगने वाला है। पहुँच गए, मैं भी उठ गया है, उसको फोन कर दिया था पहले। अस्सलाम वालेकुम, लो जी मैं और रामना सोने की तैयारी कर रहे थे, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया, वैसे पहले फोन कर दिया था। तो
आयत नहीं सो रही है, उठी हुई है आयत, सही है। आए देखें सोई हुई है। सारे बच्चे आगे ना इधर, सारे होश में हो गए हैं। सारे गाड़ी में सो गए थे। अब्दुल मान ने देखे जरा, आयत भी उठ गई है। सारे एंजॉय कर रहे हैं। शहरी यहाँ पे नहीं है कि बाइक जाएगी नहीं। क्या कर रहे हो? दूरी आटा का भी मुंडा हो रहा है। वो ऐसे वीडियो में कहने की। अच्छा। इधर कितने हैं? नया का देख। नया तो मैं सब। नया भी उठी हुई है। नया उठ गया। मुझे भूल रही है कि कौन पाई आ गया नया। नया का सब। ये स्टिंग साथ लगी हुई है बिल्कुल। एक तो ये सामने लगी हुई है। रोजा रखना है आज इससे तो आए। अब दुमान आपने रखना है रोजा जिससे तो आए। अगर अगर ना रखना तो मैंने कर भी सुना था। अब्दुल मान करके तो सोया हुआ था फुल टाइम। अब्दुल एकदम मैं खुद भी था सोया हुआ। हां ये डर भी मुझे हुआ था। ये सोया हुआ था इसको उठा के लाए हैं अमेज़न का क्या पूछा था। इसको गाड़ी के अंदर सोए से याद आया मुझे उठ के कहता है पापा ये अमेज़न की तो नहीं है। मैंने अमेज़न में क्या है। लो जी यहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल मान आयत के साथ खेल रहा है। उमर अपने फोन के साथ लगा हुआ है अपना। सारे गप शप मारने बैठे हुए हैं। भी तो बैठा हुआ उमर फोन तैयार कर रहा है वीडियो शुरू करने। उमर भाई आजकल हो गया हुआ है क्या उसे बोलते हैं डेली ब्लॉगर शिव रमजान में। अब सारी उम्र डेली ब्लॉगिंग होगी। एक साल का चैलेंज है। लो जी हम काफी देर के आए हुए थे तो अब जो है ना टाइम हो गया सहरी का तकरीबन 2 बज गए। तो अब क्या करना है उमर सहरी बाहर जाकर कर ले क्या कहते हो। नहीं बनाते इधर आमना भाई आए। अच्छा तीनों मिलके हम बनाए ये नहीं कि तीनों लड़के मिलके खिलाए। मैं कहता हूँ बाहर से ले आते हैं। नहीं बाहर से खिलाने घर का खाए घर का। तो क्या कहते हो मैं बस बता हम भी सारी हम ना तैयार करें। चलो आ जाओ पराठे अंडे पराठे। मैं कहता हूँ कि किस्म के अंडे कितने अंडे खाने हैं। यहाँ ने कौन सा अंडा खाना है बता दे। कौन सा खाता है इधर प्याज वाला अंडा और फोन हो सके तो फ्रेंच टोस्ट भी चलने भाई मैं कहता हूँ बाहर ही जाकर कर लेते हैं। तो आपने ने क्या खाना है आपने ही बताया सबकी फरमाइश। मैं मर्जी चुपकर ही खा लूंगी। सादिया ने बताया क्या जो मर्जी फिर मैं ना भूखे ही सो अभी सारा। क्यों भाई भूखे ही आज 8 पैरा रोजा रखे सारा 8 पैरा रोजा यानी कि वो जो कहते हैं जिसमें सिर्फ पानी पी के ना रोजा रखा जाता है। तो अभी क्या करना है मैं फिर बताओ फिर। और मेरा ये जो मेरा काका जो है ना मेरे से नाराज है। मेरे से नहीं बात करना आजकल ये देखो मेरे से नहीं बात करना नाराज हुआ है मेरे से। मेरे से नाराज हुआ है ना ओए होए ये देखे तो आपका भाई आ गया है वीडियो के साथ। वीडियो में देखो सुबह सुबह आगे उठाते हैं ना यार लो जी फैसला हो गया कि जो आज शहरी है ना वो हम तीनों ब्रदर जो हैं उमर मैं और दे बनाएंगे और सारे तीनों ये जो ननंद भाभी जो है ना ये बैठ के गपशप में मारेंगी। मैं कहता हूँ एक लाइनों वाली बना देते हैं जो आमना ने अभी लास्ट टाइम मैंने बनाया लच्छे वाला वो पता नहीं कैसे बनता है। चलो जी फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब 2 बज गए हैं तो क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल तो है नहीं हम तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे बनाने में। चलो जी लो जी हम पहुँच गए हैं किचन में और किचन में आधा काम जो है ना शहरी का वो पहले से तैयार है। आटा गूंदा हुआ है। सबसे मेन काम जो है ना वो पहले से तैयार है। तो हमने बनाने आज पराठे
और मैं जो है ना बच्चों के साथ लग गया है उनको आइसक्रीम खाने की जगह और अंडे वगैरह तैयार करता हूँ। अंडे जो है ना इसमें बना रहे हैं ये रहा पीड़ा छोटी सी इसकी छोटे छोटे से करते हैं पीसेस ये सेम वही स्टाइल है जो आमना का स्टाइल है आमना ने लास्ट में बनाया था पराठे बनाने की यही स्पीड रही ना तो मेरे ख्याल से सैरी में टाइम ही गुजर जाता सैरी रह जानी है यार क्या हो गया मैं इसने अंडा बनाना शुरू करो यार पराठा तैयार नहीं हुआ अंडा तैयार हो गया बस दो महीने जो है ना वो तैयार कर दियो इसकी आप पराठे की लुक देखो यार ਕਾਜ ਭਾਈ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਮਨ ਦਾਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰੋਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਯਾਰ ਜੀ ਸਭ ਸੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਾਠੇ ਹੀ ਪਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਾਤ ਬੰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਾਂਠੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪਠਾਨੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀ ਟੋਡੀ ਆਪਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਅੰਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਅੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ मुझे खुद पराठे मुझे खुद पकड़ने चाहिए वो किधर है यार ये पहले मेरा जो मेरा पराठा तैयार हो रहा है वो तो पहले बोने लो तो भाई ये पराठे जो है ना वो क्या पता हमें बिल्कुल पता है क्योंकि ये विकास भाई खाएंगे यार
जैसा पराठा जो है ना ये कोई नहीं बना सकता। नहीं लास्ट टाइम जो था ना वो दोनों अच्छे बने थे। ये यार ये तवा छोटा है भाई, ये मैं तो बड़े तवे वाला बंदा हूँ यार। बहुत मशरूम बंदा है यार, ये अंडा ना खराब हो जाए। मुझे अंडा जो है ना ये देखो यार अंडा जो है ना ऐसे भी कर सकते, ये देखो अंडे का होना किसी ने ये चीज इस तरह करो चलो ठंडा तैयार हो गए। मैं तो थोड़ा सा गया था वो पराठा ही नहीं जिसमें घी ना हो ज्यादा। ये पराठा है ये काज भाई खुद ही खाएंगे, मैं खा के दिखाता हूँ, मैं भी खा के अंडे के साथ। ये देखे जी ये देखो जी ये मैं बाइट बना लेगा एक, ये अंदर से बिल्कुल पका हुआ और सॉरी नक्शा बस है लेकिन ये अंदर से पके होते हैं। ये देखो ये मैंने एक बाइट बनाई अंडे के साथ। यान का कितना डोज है? बार बार कौन सा डोज है? बार बार डोज है। वैसे कौन सा डोज है? वैसे कौन सा है? 21 रुपए 21वीं की रात है, बादल करने वाली रात है आज जो है ना वो तीसरा शुरू हो गया। हाँ जी तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। रात दाता आती है, कल ही दाता आती है। आज तो आटा बस होना, आज रोटी से नहीं बनी आप वो आटा पता है क्या पता नहीं क्या हुआ, मैं घर में तो मैंने बना लिया दीदी, मुझे ना ये जगह थोड़ी सी ना वो पता नहीं लग ये जगह मुझे तंग तंग लग रही थी, मतलब मैं तो लास्ट टाइम इतना जबरदस्त पराठा बनाया था मैंने, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज जो मैंने अंडा बनाया वो कमाल ही कर दिया है। आज प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आ गए। ये जो अंडा बना है ना ये तो कमाल ही कर दिया है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया लेकिन बहुत जबरदस्त नमक ज्यादा हो गया। चेक करके खा के देखो से आ रही है खिड़की में से, बहुत ठंडी हवा आ रही है, बारिश का मौसम है बहुत जबरदस्त। हाँ हवा चल रही है, व्यू चेक करो यार कितना जबरदस्त व्यू है। वो कितने 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 गा रहे हैं वो अभी तक, बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। इधर देखे जलसी जलसी शादी ने आयत को पकड़ा हुआ है तो इस वजह से जलसी हो रही है। अच्छा वो देख वो देख वो देख वो क्या वो देख वो कौन है ये देखो ये कौन है
अच्छा सब लोग कमेंट्स करते थे यार देखो अनाया और आयत के साथ व्लॉग बनाए देख रहे दोनों साथ है लोग हो गए देखो बेबी किच 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 वो कह रहे मुझे भी डालो ध्यान से ध्यान अभी से जल सी चलो दोनों बेबी खा लिए दोनों का क्या रिस्पॉन्स है एक दूसरे के एक दूसरे को देख रही ये आप इन दोनों की इसको मैं नया जो है ना वो गोद से उतरते ही नहीं है किसी के ना वो कहते वो उठा ही रखो नहीं आजकल ना ये बहुत ज्यादा इसके ऐसे तंग कर रही है कि तू उठा ही रखो जरा भी उतरती नहीं है शायद इसको एक दफा मैं बाहर साथ ले गई हूँ वो रखना आया चलो जो वीडियो स्टार्ट हुई थी कि हम बनाएंगे सारी चीज़ें बाहर से नहीं खाएंगे तो वो बाद में इन सबको बनानी पड़ गई देख नहीं पराठे बन गए रोटियां बन गई हैं हमने कुछ भी नहीं किया हम खाएंगे यार ये अंडा बहुत ज़बरदस्त बनाया मैर ने मैर से ना गलती से बन गया अच्छा ये फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं ये मेरा काका है ना उसने की थी फरमाइश और उधर रोटियाँ पराठे बनी जा रहे हैं इतना तो हम खाते नहीं वैसे इतना सामान तैयार कर दिया लगते हैं नहीं हम घर में भी खाते हैं मैंने सहरी आप देख लें कुछ भी हम बस ऐसी दही और अंडा खाते हैं ये चौकीदार लो जी मैं यहाँ आया था कि मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ लस्सी बना लेता हूँ लेकिन जी सब ने मना कर दिया कि जाओ यानी कि छुपे अलवाल ने कह दिया दफा हो जाओ हम खुद ही करनी है क्यों हमने ये कहा कि हम वो भी खुद बना लेंगे पराठे खराब कर दें लो जी ये प्रोफेशनल पराठा ये होता है कि मेरा वाला पराठा है वो तो ज़बरदस्त पराठा था लेकिन ये प्रोफेशनल है किचन में दामना दिखाएगा वाह जी वाह ये किचन में दामना वाला पराठा तो जी जो सहरी हम तैयार करने लगे थे वो अब सब ने तैयार करके हमारे लिए तैयार कर दी है ये अंडा मैंने बनाया था ये वाला अशन ने बनाया ये रोटियाँ किसने बनाई हैं आमना ने बनाई है ये दोस्त जो है पता नहीं किसने बनाए हैं तो जी सारा कुछ तैयार है सहरी का टोस्टर मामा ने बनाए चलो जी सब तैयार है चलो जी यही हम सहरी जो है ना बाहर करने जा रहे थे तो यहाँ करनी पड़ गई चलो जी सहरी करते हैं लो जी ये मेरी सहरी है ये देख लें आप लोग ये जो है वो मसाले वाला अंडा है ये जो है वो मैंने अंडा बनाया था वो है और एक सादा रोटी इतनी सी नॉर्मल सी है मेरी सहरी अब्दुल मान क्या खा रहे हैं अब्दुल मान खा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट अब्दुल मान ये रेव जो है वो पराठा खा रहा है पराठा खाना शुरू हो गया अब्दुल मान और एयान जो है ना वो एयान तो रोटी भी खा रहा है मेरे हाथ से है ना और सादिया जो है वो भी पराठा खाने लगी है कौन तो पराठा पराठा खा रहा है चलो अच्छा वो वाला खा रही है नहीं नहीं ये वो वाला नहीं है यार ये मुझे भी दो थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा आधा से थोड़ा सा मुझे साइड नहीं नहीं मैं नहीं कहता थोड़ा सा दे दो लो जी ये वो पराठा है जो मैंने अपने हाथों से बनाया था और ये मैं खाऊंगा कच्चा ही लग रहा है नहीं खाना पड़ेगा यार क्या करें चलो जी अब हम खाते हैं और फिर बाद में खा के बताता हूँ वो कैसा बनाया
सबने खा ली है, कोई चीज नहीं छोड़ी किसी ने, बस मैंने दही और खानी। अब जो मान जो है वो दही खाना है, कहता मैंने और खानी है। दही देखे, दही इसकी जो है ना वो ब्लैक ब्लैक हुई है, क्यों? दो ब्लैक वाली ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर डाली ना, तो कहता है ये मुझे व्हाइट वाली शुगर चाहिए। अच्छा व्हाइट वाली शुगर जिसको बना दी। लो जी चाय आ गई है, अब चाय पीते हैं, एक कप चाय। आए हाय आए हाय, लो जी सैरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब हम जाने लगे हैं घर। क्योंकि बच्चे जो है ना उनको आ गई नींद, सब बच्चों को नींद आ गई। लो जी ओके मैं, हम जा रहे हैं फिर, ठीक है कल आना है, कल आओगे घर तो फिर आपकी दावत भी करनी है हमने, इफ्तारी करेंगे पूरी इंशाल्लाह, ठीक है संडे वाले दिन करेंगे इंशाल्लाह। चलो अभी चले भी, अभी सारे तैयार हैं ना, मैं फिर गोदी में आ गया। ओके भैया अल्लाह हाफिज़, सारे लिफ्ट में चले गए फिर। लो जी हम प्यादे पे आए थे तकरीबन 10:30 आए थे ना, 10:30 आए होंगे, 10:30 हम इधर आए थे और सैरी करके, अब हम सैरी करने के बाद जो है ना वापस जा रहे हैं घर। अब सारे जो है ना वो रेडी हो गए हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि घर जाके अब सोएंगे आराम से। यहाँ अभी सोने की जो सुविधा है, क्या उसे बोलते हैं हिंदी में, सहूलत अभी मुयसर नहीं हुई पूरी पूरी, तो वो जब हो जाएगी फिर यहाँ भी सोया करेंगे। चलें ये भी चलते हैं घर की तरफ। यहीं से हमने वीडियो स्टार्ट की थी और उस वक्त अब्दुल मान जो है वो सो रहा था, ठीक है, यहाँ भी उसको नींद आई हुई थी। प्रोग्राम तो ये था कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके सिर्फ आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और मेरे के साथ शुगर वगैरह करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जी उन्होंने हमें रोक लिया वहाँ पर, सैरी बनाई फिर हमने कोशिश की, जिसमें हम नाकाम हो गए, आपने देखा होगा बिल्कुल नाकाम हो गए, फिर वापस उनको बनानी पड़ी। अब देखें अब सब जो है ना वापस पहुँच गए हैं और अब्दुल मान भी बिल्कुल नींद में नहीं है, यान भी नींद में नहीं है, अब नींद आ गई है, यान अब सोने के लिए तैयार हो गया, तो यान को अब आ गई है नींद। तो जी वीडियो का भी करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अभी रात के 5 बजे, हाँ जी रात के नहीं दिन के 5 बजे, ये रात सवेरे क्योंकि भाई थोड़ा सा अंधेरा है तो इसको ना रात रात ही कह रहा है, तो ये अभी दिन हो गया। और आमतौर पर ये सुबह उठते भी 6 बजे हैं, लेकिन आज जो है वो वहाँ जाके ना इसकी नींद ही ख़त्म हो गई, इसने आइसक्रीम खाई, कहता है क्या क्या करता रहा वहाँ पर ना। तो बस आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।